चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अन्नदाता जिंदाबाद, अन्नदाता जिंदाबाद। किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद, किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लोकतंत्र में, लोकतंत्र में हम लोग को वोट देकर हम लोकतंत्र का बहाल करके भेजे और हम लोग को बैठक नहीं करना चाहिए। हम लोग के बीच में पदाधिकारी को आके उचित बाजार मूल्य जो चल रहा है अभी उसको दाम लगाना चाहिए जमीन का, अधिग्रहण जो जमीन कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग जो ग्रीन फील्ड भारत माला एक्सप्रेस वे जो बन रहा है उसमें हम लोग किसान को बिना पूछे हुए, बिना सलाह लिए हुए हम लोग को पहले पिलर गाड़ दिया। उसके बाद किसान को यह भी पता नहीं चला कि रोड में पिलर गाड़ दिया गया तो कितना जमीन हमको ले रहा है। थ्री ए निकाला, आप लोग को थ्री ए के बारे में नहीं जानकारी होगा। थ्री ए जो निकाला वो सिर्फ हम लोग ही धनी बार का 5/8/2022 को थ्री ए निकाला था। ये भारत माला ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे में हम लोग आवेदन दिए, वहां लिखा था 21 दिन के अंदर आप आवेदन दीजिए कि क्या आप लोगों को कहना है। हम लोग आवेदन दिए कि हम लोग को बाजार मूल्य जो चल रहा उस निर्धारित मूल्य पर हम लोग भूमि जो अधिग्रहण किया जा रहा है उस मूल्य दिया जाए। और उतने नहीं, जिस जमीन अगर आवासीय है या व्यवसायिक जमीन है उसको मूल्य निर्धारण किया जाए, आपत्ति दिए। लेकिन 5/8/2022 को मैंने जिला पदाधिकारी और भूअर्जन को दिया, आज तक उन्होंने अभी तक कोई कार्य नहीं किए। सिर्फ क्या कार्य किए कि हम लोग कंप्लेन किए तो इन्होंने लिखा बिहार सरकार को, राजस्व भूमि सुधार मंत्री की यहां लिखा और लिखा कि हम लोग को जमीन जो भारत माला ग्रीन एक्सप्रेसवे में जा रहा है किसान दुखी है, इनको मुआवजा के बारे में लिखा एमबीआर बढ़ाने के लिए। एमबीआर 8,000 था। उसके बाद वहां से जाने के बाद हम प्रयास करते रहे, डीएम साहब इसके पहले सौरभ जोरवाल जी थे, हमने कई बार मिले, हमारे कमिटी के सदस्यगण भी मिले, उन्हें आश्वासन देते रहे कि आपका जमीन का जो उचित है अध्यक्ष महोदय जी आपको उचित मुआवजा मिलेगा, बाजार वैल्यू मिलेगा। उन्होंने जब हम लोग कमिटी के सदस्य जब गए उनसे मिले, उन्होंने साफ जवाब दिए कि हमने 40% बढ़ा दिया है। हमने कहा कि सर 8,000 का जो है रेट या 9,000 का तो 11,000 कुछ होगा, 8,000 का अगर मान ले फोर बढ़ा तो उससे बेसी होगा नहीं, अगर 50 बढ़ा तो 8/12 होता, तो हुजूर जब बहुत बड़ा हम लोग किसान कैसे जिएंगे, जबकि बाजार मूल्य हमारे 139 जो डालटेंगंज से जाती है जो पटना चाहे उड़ीसा जहां मैंने बता रहे हैं वो जा रही है उसका अभी कीमत हमारे गाँव में 10 से 15 लाख रुपये अभी है कट्ठा। उसका दाम लगाया गया है सरकार से 1,36,000 रुपये कट्ठा, 4 गुना करके, मतलब 4 गुना कर सोचिए। तो हमने इस पर बात कहा कि सर, तो कहे कि हमको क्या, डीएम साहब जवाब दे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा कमिटी गठन किया गया, 6 सदस्यीय कमिटी है, एसडीओ साहब थे, रजिस्ट्रार थे, मैंने रजिस्ट्रार से भी मिला, रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रार कहा कि आप बढ़ाने के लिए कह रहे हैं हमारा रजिस्ट्री कम आएगा। हमने कहा कि जिस जमीन का मूल्य आप कम रेट ले रहे हैं यानी उसे दलाली खा रहे हैं, मूल्य अगर कम लेके आप लिख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, हमारा वहां पता लगाया जाए। उन्होंने नहीं माना, मैंने आंदोलन को आगे की ओर बढ़ाने का कार्य किया और उसके बाद रेट वही 11,200 को मिला। हम लोग किसान बहुत दुखद मैंने प्रकट किए, हताहत हुए। इसके बाद हम लोग कमिटी का शहादत दिवस भगत सिंह के नाम पर हम लोग ने 18 किलोमीटर पैदल मार्च किए, सरकार को जगाने धरना दिए। तो इसी तरह काज करते आए, लेकिन आज हम लोग उस परिस्थिति में पहुंच गए हैं किसान कि ना इधर से है ना उधर से। एक तरफ किसान को जमीन को नापी कर रहा है, कल हम लोग नापी अगर करा लेते हैं और उसके बाद फिर लगले आपको मिट्टी भराई, चूंकि ठेकेदार को मिल गया है काम, ठेकेदार को टेंडर मिल गया, सरकार को दिमाग में बन गया कि उसको हम पैसा प्रिंसिपल है जी, राजकुमार जी प्रिंसिपल है ना, तो ठेकेदार कौन है, पेंसी, हाँ पेंसी यार उलिया, उनको पैसा आवंटन कर दिया गया। लेकिन किसान को
अभी सूचना मिला कुछ पेपर के माध्यम से भी कि यहाँ 4 या 5 हजार करोड़ किसान को जो हम लोग को जो क्षेत्र में आता है उसको आवंटन किया गया। क्लियर अभी नहीं है कि कितना मिलेगा, आवंटन खाली कर दिया गया है, अब इनका टोटल दे दिया गया ठेकेदार को। तो हम लोग लोकतंत्र में किसान मुख्य दर्शक अगर बने रहेंगे, अगर हम लोग रोकेंगे नहीं, अपनी मांग नहीं रखेंगे, तो आखिर हम लोग क्या करेंगे। आखिर चलिए अब ये तो बात हुई, अब विषय पर चलिए कि जिस जमीन का हम लोग सरकार जो ले रहा है, हम लोग जो दे रहे हैं, उस जमीन से 3-4 काम होता है। पहला नंबर उस जमीन से हमारा बाल बच्चा पढ़ता है, जो देखते हैं पटना दिल्ली जहां पढ़ाता है उसी जमीन को धान बेच के गेहूं बेच के पहला पढ़ाई होता है, दूसरा दवाई होता है, हम उसको बीमारी होता है परिवार में उस जमीन से हम लोग जो है उसके इलाज कराते हैं, तीसरा होता है हमारा अगर बेटी का शादी हो बहन का शादी हो उस जमीन को हमने गिरवी रख के या बेच के उस जमीन को जो है हम लोग करते हैं। लेकिन जब हमारा उस जमीन सरकार छीन लेगा तो हम क्या करेंगे, मुख दर्शक बने रहेंगे। आखिरकार हमें जानना चाहते हैं कि किसान ऐसा क्यों कर रहा है, ये ताली बजा के साथ नापी कराना ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने इस बात से बहुत दुखद मन है और हताहत हम है कि आखिर किसान ऐसे क्यों कर रहा है। हम कुटुंबा से चल के रवि नगर आए हैं और आपका जमीन जा रहा है, हम क्यों प्राण त्यागे। हमारा लोग कहते हैं, घर के परिवार कहते हैं कि उन लोग को जमीन जा रहा है तुम क्यों जा रहे हो। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि आज हमारा समाज जो बैठा है इस समाज से भेंट नहीं होता, और समाज से भेंट इसीलिए हो रहा है उनके हम साथ हैं। तो भाइयों ज्यादा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब विषय पर चलना है कि आखिर हम लोग मांग क्या करना चाहिए। तो हमने फर्स्ट बार पहले एक बार हम सुनाए भी थे, आप लोग नहीं सुने थे। हमने पहले अपनी मांग धनी बार में जब थे तो हमने डीएम साहब को दिया था, किसान संघर्ष समिति अनुरोध किया था NH 139 से 200 मीटर तक की भूमि को औद्योगिक केंद्र एवं आवासीय मकान से 200 मीटर की भूमि को कॉमर्शियल एवं आवासीय को दर्जा देते हुए भुगतान किया जाए, इन्होंने डीएम साहब को दिए थे। तो इस समय और एक पॉइंट जोड़े, उसको भी आवासीय मांग आपको देना होगा, भुगतान करना होगा। दूसरा, जिन किसानों का जमीन कब्जे में है जिसका रसीद उसके नाम से कट रहा है उसके रैयत मानते हुए उचित मुआवजे का भुगतान किया जाए। हमारे किसान भाई का कुटुंबा पे आप तो नहीं जानते हैं, कुटुंबा में बहुत ऐसे किसान हैं जिनका माली गर मुजरुआ बका जमीन है, वो किसान को क्या किया भोजन पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि नहीं आप रैयत बनिए तभी आपको भुगतान करेंगे। तो जब हमें रसीद कट रहा है, डिमांड चल रहा है आज 60 साल 70 साल से, तो हम रैयत हैं या नहीं आप ही लोग से पूछते हैं। रैयत तो है, आखिर रसीद काट रहा है तो रैयत है तब तो, लेकिन उस जमीन को पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए हमने डीएम साहब से दूसरा मांग किया। तीसरा मांग किया, किसान के जमीन में बिना सूचना के एकाएक पत्थर गाड़कर जमीन अधिग्रहण करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, इस संबंध में किसानों के जमीन की वास्तविकता के बारे में बतलाया जाए। मान के चलिए पिलर आप गाड़ दिए, हमको पता नहीं कितना जमीन लिए है, किसान को यह जाके बताइएगा तब ना, खाली नापी करके जा रहे हैं कोई बता नहीं रहे हैं, अब किसान मुख्य दर्शक बना हुआ है, ये गलत बात है। चौथा है, जरूरत से ज्यादा, अब देखे हैं कि हम लोग को पता था कि 70 मीटर जमीन लेना, अभी देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा जमीन ले रहा है, कुटुंबा में भी जहीं मन है ज्यादा जमीन ले रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये भी हमने कहा कि ये गलत बात, जो जमीन आपने सर्वे करके आप कर दिए हैं तो उसी जमीन पर आपको रहना होगा। पांचवा मांग है कि प्रभावित किसानों के परिवार के एक सदस्य का नौकरी दिया जाए। आज हम लोग के बीच से अगर मान लिया जाए कि हमारा जमीन ऐसे भी है कि जमीन चला गया, उसको खाने के लिए कुछ है नहीं, आखिर कोई व्यवसाय करने का कुछ है नहीं, आप जमीन का पूरा पैसा दे नहीं रहे हैं, 1,36,000 रुपया कोई कीमत है, अभी तो कहीं रोड किनारे जाइएगा तो 5 से 7 लाख रुपए से कम नहीं मिलेगा, देहात की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि उस किसान को जो भूमिहीन है, जिसका एको कट्ठा जमीन नहीं पड़ रहा है, ऐसा तो सबको दे तो अच्छा है, लेकिन वैसे किसान को चिन्हित करके आप उनका जो है एक नौकरी दिया जाए। डीएम साहब बोले कैसा प्रधान है, ऐसा प्रधान है कि आप लोग पेंशन देते हैं सांसद और आप लोग को डीएम साहब आपको भी मिलता है और किसान के लिए कुछ नहीं है। जो आज हमारा देश में अन्नदाता है किसान, आज हम लोग कहते हैं कि जय जवान जय किसान, और लेकिन आज हमारे लिए कुछ नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके बाद हमने कहा कि गरीब किसान
को पेंशन दिया जाए। अभी देखिए यहाँ पेंशन कुछ मिलता है आपको, यहाँ एनटीपीसी में कुछ पेंशन लोग मैंने निर्धारित किया है। लड़ाई लड़े तब मिला, ऐसे नहीं मिला, लड़ाई लिया बोनस मिला। तो उन लोगों को लड़ाई लड़ने के बाद ही तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तभी मिलेगा। सातवां है किसान एवं मजदूर को रोजगार देने की व्यवस्था की जाए। आठवां किसानों की समस्या का निदान सर जमीन पर कैंप लगाकर किया जाए। आज मान के चलिए हम लोग किसान ब्लॉक, ऐसे किसान हैं जिनका ब्लॉक जाने में असमर्थ है। हम दिन कड़ाके के धूप हो चाहे बरसात के मौसम हो तो हम लोग ब्लॉक यह जाते तो सीओ साहब गायब रहते हैं, कर्मचारी गायब रहते हैं। इसने हमने जिला पदाधिकारी से मांग किया कि आप स्वयं वहां पर भेजें और कैंप लगाकर उस आम जमीन को जांच कर किसान को जैसे जमीन को अधिग्रहण करें। आठवां सवाल था, जब तक एक एक किसान की मुआवजा का भुगतान नहीं होता है, हमारा जमीन आप ले रहे हैं, आप लोग देते हैं गार्जियन है, हम तो अभी कम उम्र के आप लोग जान रहे हैं, हमारे गुप्तेश्वर जी भाई बुजुर्ग आदमी हैं, आप जान रहे हैं कि जमीन जब क्यावाला कोई लेता है पहले जमीनिया जोता है कि पहले क्यावाला लेता है उसके बाद जमीनिया करता है, तो हम लोग को पहले मुआवजा नहीं मिलेगा जमीनिया का, नहीं तो हम लोग इसी देते हुए मुआवजा मिल जाएगा हम लोग को, चल के उनको हम लिख देंगे उसके बाद आप काम लगाइए, यही होना चाहिए। यही हमने नवा सवाल से हमने डीएम साहब से मांगा है, सरकार को भी भेजा है। तब तक किसी भी तरह का कार्य जमीन पर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह का हमने सवाल किया है और इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग को क्या करना है। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।